Seriously, I'm money. Please don't record in my room without my permission. I have to. तो पहला पॉइंट जो था हमने बोला था, मतलब पहले से हमने शेयर किया था कि ये मेकअप लुक हमें चाहिए. ऑलरेडी वी हैव शेयर द पिक्चर, ठीक है, एंड ऑल्सो द हेयर स्टाइल. देन कैसे इवेंट के डेट पे पूरा मेकअप लुक चेंज हो जाता है. एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. तो लग रहा है अभी घर पे शादी शुरू हो गया है, तो आज ये एंगेजमेंट अभी बज रहा है, मतलब सुबह का 6, तो मैं उठ गई हूँ. अभी मैं ब्रश करने से पहले वीडियो एडिट करूँगी, क्योंकि आज वीडियो लाइव करना है. ऑलरेडी लेट हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है वाराणसी गई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया सब कुछ में. तो उसका व्लॉग भी आएगा ज़रूर, मैं ट्राई कर रही हूँ व्लॉग बनाने का. और गाउन को लेकर भाई इतना दिक्कतें हो गया था, पुराना गाउन भेज दिया था, फिर वो लोग डिनाई कर रहे थे कि भाई हमने नहीं भेजा है. तो बहुत दिक्कतों के बाद फाइनली हमने नया गाउन ले लिया, लड़ झगड़ के. अपने हक के लिए लड़ना कभी गलत नहीं होता है. पर हाँ, अगर मैं बोलती कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, शायद नहीं देते. जब तक ना बोला मैं यूट्यूबर हूँ भाई, तब तक मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, टू बी वेरी फ्रैंक. तो देखो, दीदी ने पहना है गाउन, यही उनका एंगेजमेंट गाउन है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, और फाइनली कुछ मिला भाई. सही बोलो कुछ. अभी बज रहा है 11:18, और अभी जा रहे हैं इयररिंग लेने. और दीदी को यहाँ से 12:30 बजे तक, 1 बजे तक निकल जाना है मेकअप के लिए, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि उनको टाइम लगेगा ऐसे 4 से 4:30 घंटे. और हमारा जो प्लान है वो सब, मतलब इवेंट है, वो स्टार्ट होगा 6 से 6:30 बजे. तो अभी मैं जा रही हूँ, देखते इयररिंग मिलता है या नहीं, क्योंकि मेरे पास ह्यूज कलेक्शन है, पर उसको कुछ नहीं पसंद आया भाई. तो चलो जल्दी जल्दी निकलते हैं. धूप देखो बाहर कितना ज्यादा है भाई, जल जाएंगे मुझे लग रहा है. दीदी के लिए इयररिंग, तो मैं ना सोच रही हूँ दीदी के लिए पर्स टाइप का, जो क्लच नहीं आता उस टाइप का खरीदने का, स्टोन्स का. तो देखने जाऊँगी अभी मिलेगा या नहीं मिलेगा. टाइम कितना हो गया, टाइम 11:42 हो गया. और मम्मी के लिए हेयर कलर भी ले लिया, और मैंने 3 इयररिंग उठा लिया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई कौन सा अच्छा रहेगा कौन सा नहीं. अभी तक मैंने खुद ने डिसाइड किया कि मुझे क्या पहनना है भाई. तो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे ही होता है क्या दीदी की शादी होता है काम. अभी तो शादी में नहीं, एंगेजमेंट में ये हाल है. शादी में क्या हाल होगा मुझे नहीं पता. दीदी इसलिए बोल रही कि तू पहले शॉपिंग कर लेना भाई, बाद में मैं करूँगी अपना, नहीं तो तेरा होगा ही नहीं. तो अभी चलो चलते घर. भाई मेरा पिछवाड़ा जल गया. इतना गंदा नेल पेंट लगा रही हूँ, देखो कुछ नहीं कर सकती. रात से ऐसी घूम रही है, और दीदी यहाँ पे हर हेयर एक्सेसरी सब ले रही है, मुझे लग चाहिए. सो मैं अभी तक नहाया ही नहीं, बस खाना खाया, थोड़ा सा ज़्यादा ही खाना खा लिया. अभी दीदी जा रही है मेकअप करने, उससे पहले जो ट्रांजिशन होगा उसके लिए थोड़ा सा शूट करना है. तो कैमरे का बैटरी में चार्ज खत्म हो गया है, तो बैटरी लाने गया है वो. और ये रहा दीदी, देख सकती, ये रही दीदी, सॉरी रहा नहीं. और ये कौन है मुझे नहीं पता. तो जो भी हो, ये लोग जा रहे हैं मेकअप करने, ये भी जा रहे हैं मेकअप करने. मेकअप मेकअप के बाद भी शक्ल का कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो मेकअप भी करेंगे देखो. तो जो भी हो, तभी शूट कर लेते हैं फिर निकलते हैं. सत्य बोल दिया, हम विश्वास ही करते ना आज के हमारे एंगेजमेंट. তারপর বিয়ে হচ্ছে এটা তো আরো বিশ্বাস যোগ্য না. বিয়ের দিন সকালে আমার ব্যাচেলার লাইফ প্রসেস. ক্যামেরাম্যান ক্যামেরাম্যান কালে কালে ক্যামেরাম্যান একদম করিয়া, ঠিক আছে, ইয়া আমার সুট যা হচ্ছে যা কিছু করবে. হ্যালো ব্ল্যাকি ব্ল্যাকি, अरे चुप कर. तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो शूट तो बहुत खतरनाक वाला हुआ, मतलब. और नेल पेंट का हालत देखो, मतलब मेरा अहम मोमेंट पे ऐसा ही होता है. अभी जाके फिर से घर पे मुझे नेल पेंट लगाना पड़ेगा, बहुत सारा काम है. अभी जाऊंगी उनको इंस्ट्रक्ट करूंगी, फिर वहां से निकलूंगी, फिर से घर आऊंगी, घर आके नहाऊंगी, फिर नेल पेंट लगाऊंगी, फिर रेडी होऊंगी, फिर से जाऊंगी दीदी को गाउन पहनाऊंगी, फिर दीदी को वहां से लेके जाऊंगी. तो बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा काम है. ज़िंदगी में पहली बार ले रही हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही
स्ट्रेस हो जा रहा है। क्या बोल रहे हो तुम? इधर से दिखा रही हूँ मैं, इधर से। ओ, ए, ए। इसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। बहुत स्ट्रेस है पर इस परिंदे की वजह से, थोड़ा सा परिंदा नहीं, उसको क्या बोलते हैं, उसको फरिश्ता, फरिश्ते की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस कम हुआ है। इतना खाया है इसने, देखो भूड़ी, देखो एक बार पेट देखो इसका निकल गया है। तो चलो अभी मेकअप के लिए दीदी को यहाँ पे दूंगी, मैं समझा दूंगी चीज़ें और सर फिर मैं निकल जाऊँगी, मुझे वहाँ से कपड़े भी कलेक्ट करना है। ओपन ओपन मैंने एक ना भेजा है आपको, आपने देखा है? हाँ, थोड़ा सा ना हल्का यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेड टाइप का रह रहा है और बाकी ओपन रह रहा है, कर्ल रह रहा है उसमें। मुझे लग रहा है उनके हेयर पे अच्छा लगेगा क्योंकि उन्होंने शॉर्ट किया है ना रिसेंटली, थोड़ा सा क्या ये हैंग कर देंगे? हाँ, 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 सारे स्टोन बेस में है, उसमें मैं चाहती हूँ आप इस टाइप का ही कुछ यूज करें क्योंकि अच्छा लगेगा मुझे लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा गोल्डन बेस है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। व्हाट इज इट? ये खुले बालों में बहुत अच्छी लगती है, ये पूरा ओपन होता है। अच्छा, हाँ ये भी कर सकते हैं, ये ड्रेस के साथ जा भी रहा है ना, पर्ल भी खुला हुआ रहेगा ना तो बालों में वो कर सकते। ये एक्चुअल में आएगा मिडिल पोर्शन में जहाँ पे ब्रेड रह रहा है ना उसमें रहेगा एक घंटा। नहीं नहीं नहीं, दिस मैडम दिस विल गो इन। प्रो टिप देना चाहती हूँ आपको, वो है जब भी कोई कुछ पूछे कि ये चलेगा ये नहीं चलेगा तो बताना जरूर कि सब चीज में हाँ ठीक है, हाँ ठीक है मत करना। जैसे कि नेल्स आपने कुछ अलग पसंद किया था, अलग करके चले गए, वो आपने कुछ बोला भी नहीं, तो ऐसे मत करना, ठीक है? जो समझ नहीं आएगा पूछ लेना। हाँ तो आप लोग पहले मतलब हेयर करोगे फिर मेकअप करोगे? प्रिपेयर करने हैं लास्ट इट। कितना टाइम लगेगा मेकअप में, कितना टाइम लगेगा आपको? कितना टाइम मतलब बोल दीजिए। हाँ तक मेकअप चलेगा, फिर मुझे ना मेकअप हो जाए तुरंत, मतलब होने से थोड़ा सा पहले मुझे बोल देना उनको, या फिर बाहर रहेंगे दो लोग तो उनको बोल देना कि कॉल कर ले मुझे, तो मैं आ जाऊँगी फिर, क्योंकि ड्रेस मुझे पहनाना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी चीज चूस रहे थे काज, हाँ हाँ ना थोड़ा सा उनको अनकम्फर्टेबल फील होता है तो सर ड्रेस का थोड़ा, हाँ हाँ मुझे ही पहनाना पड़ेगा, उन्होंने पहले से बोल दिया है। थोड़ा सा ब्रा ना निपल कवर यूज करना पड़ेगा तो थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल, हाँ वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है ना उसमें, तो आप मुझे। हाँ इसके लिए मुझे मैं गिर जा रही थी भाई, मेरा समझाना हो गया, मैं अभी निकल रही हूँ भाई, रुक जा, लड़ते रहो। मैं निकल रही हूँ, अभी जाऊंगी इस फरिश्ते का पैंट लेने और उसके बाद जाऊंगी घर। सोना लाइफ में पहली बार मैं अकेले कोई काम कर रही हूँ, मुझे मतलब लग रहा है कि मैं बड़ी हो रही हूँ अभी, ठीक है? तो अभी यहाँ से पैंट लेंगे, पहली बार लाइफ में। दीदी सारा काम करती है ना, उसको देखो बिल्कुल ही प्रोफेशनल है, कैसे दे दिया हाथ में ही, बड़ा गंदा है। जो भी हो वो बोल रहे कि अंदर व्लॉग नहीं अलाउ है, मैं बोल रही हूँ भाई मैं अपना शक्ल दिखा रही हूँ, अब मैं कैसे दिखाऊँ? तो वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, तुम्हारा स्टोर थोड़ी दिखा रही हूँ। ऐसे भी ट्रेंड्स में मतलब मुझ जैसे कोई बेवकूफ मतलब इंसान ही आएगा, क्योंकि अजियो में जो चीज़ भाई 500 रुपये में मिलता है, ट्रेंड्स वाले वो चीज़ बेच मतलब बेचते हैं 3,000-4,000 में। तो शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेंड्स चाहिए कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको लेना है चीज़ तो तब भी ट्रेंड्स आना, नहीं तो नहीं। भाई ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है, छोटी बहन होना भी इतना आसान नहीं है। मैं बस देख सकते हो नहा के आई थी, पूरा बाल गीला, भी बाल भी नहीं सुखा पाई। अभी मैंने सोचा था कि मेकअप करूँगी पर अभी मुझे दीदी को कपड़ा मतलब ड्रेस पहनने में हेल्प करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग नहीं पहना पाएंगे, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा। मैं मेकअप वेकअप कुछ नहीं कर पाई,
अभी बज रहा है, टाइम हो रहा है अभी 5 बज गया, देख सकते हो। मैं पैकेट भूल के आ गई थी, जो लेके जा रही हूँ वही भूल के आ गई थी, पापा देने आ रहे हैं। इसमें भी पापा ने 2 डायलॉग दे दिया कि जूतों और पानी का खर्च नहीं। हाँ ठीक है भाई, ऐसी आधे से ज़्यादा चीज़ें भूल जाती हूँ ज़िंदगी में, ऊपर से इतनी जल्दबाजी में तो सब कुछ ही भूल जाऊँगी। तब तक पहुँच ही नहीं, अभी देखते मेकअप कैसे किया है क्या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि आप लोगों को देखा ही आपने कि मैं बस बेस भी नहीं रेडी था, जस्ट नॉर्मली स्टार्ट किया यहाँ पे, बस बैंड लगाया था और मैं आ गई थी। अभी देखना भी पड़ेगा कैसे मेकअप किया है, कुछ चेंज करना पड़ेगा या नहीं, तो सब कुछ जाके देखूंगी। सब पहुँच गई फाइनली, जानता भी ना जो मैक यूज होता है। जैसे देखो ये ना, ये जो शेप है यही शेप आ गया यहां पे, ये और सो यहां पे जो मेकअप हुआ है, मैं तो सेटिस्फाइड इससे बिल्कुल भी नहीं हूं। अभी क्या करना है, अभी फिलहाल तो इसका कवरेज हाई करना है, फिर देखते हैं बाद में। देखो पूछते भेजी सर, मेकअप रन बाय सुमदा जी, सो हाउ यू फील? नहीं एक्चुअली ये स्पॉन्ज नहीं है, ये मेकअप मतलब स्पॉन्ज बिल्कुल भी, ब्लेंडर ब्यूटी ब्लेंडर ये नहीं है। ओके सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो जैसे कि मेल का स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एंगेजमेंट मेकअप में था एयर ब्रश, इन्होंने यूज़ किया मैक। और जब मैंने आके बोला कि भाई बात तो एयर ब्रश का हुआ था, फिर मैक क्यों यूज़ हो रहा है, सब मुझ पर चढ़ गए, बोला कि नहीं नहीं आपको याद नहीं। और मुझे तब सच में याद नहीं था कि मेरे पास मेल है, और देखो एक बार कॉन्टोर लगाना, ब्लेंड तक उनको करना नहीं आता है क्योंकि वो यूज़ कर रहे हैं स्पॉन्ज। और ये है लैक्मे सैलून चंदन नगर की हालत। तो मैंने जब एडवांस पैसा दे के ये मेकअप लुक बुक किया था, तो मुझे कट क्रीज आइज के साथ ये खतरनाक लुक क्यों रिसीव हुआ है, ये उनके पास कोई रिप्लाई नहीं। ऊपर से स्प्रे देने का टेक्निक एक बार देखो, कहाँ पे स्प्रे जा रहा है ज़्यादातर। भाई मुझे भी आता है हेयर स्प्रे देना, ऐसे हेयर स्प्रे कौन देता है? आप लोग अगर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था लैक्मे सैलून से। और फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए जो स्पॉन्ज ये लोग यूज़ कर रहे थे, उससे क्या हो रहा था, फाउंडेशन उठ के आ रहा था, इसीलिए जगह जगह पे ऐसे ब्लैक हो गया था। और ये जो नवाब को देख रहे हो ना, इन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि एयर ब्रश बिल्कुल नहीं था भाई, सिर्फ मैक का ही बात हुआ था। तो बाकी सारे स्टब्स का बिहेवियर बहुत अच्छा था, बिहेवियर को लेकर मैं बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं बोलूंगी, काफ़ी अच्छा बिहेवियर था, पर प्रोफेशनल कोई भी नहीं था, क्योंकि यही वो हेयर एक्सेसरी है जो दीदी ने स्टार्टिंग में समझा दिया था कैसे लगाना होता है, फिर भी इनसे लगाया नहीं जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं है, और ये लैक्मे से एक्सपेक्टेड भी नहीं है। तो फिर मैं नेक्स्ट डे गई थी, जो वहाँ का ओनर या फिर मैनेजर है वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहे थे, ऊपर से वो बहुत आर्ग्यू कर रहे थे, पर मेरे पास वीडियो प्रूफ था, मेरे पास मेल था, इसीलिए मुझे सक्सेसफुली रिफंड मिल गया। यार इन्होंने इतना ज़्यादा डायलॉग बोला कि लैक्मे फैशन वीक में इन्होंने मेकअप किया, ये किया वो किया, और ऊपर से उनके पास 2-3 लिपस्टिक है भाई, ये पार्लर सैलून चला रहे 3 लिपस्टिक लेके, इससे अच्छा कलेक्शन तो मेरे घर पे है। मतलब मेरा लिटरली दिमाग ख़राब हो गया है। मतलब ये भी अच्छा है कि एंगेजमेंट में हुआ, अगर शादी में डायरेक्ट बुक करती मैं इनको तो मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो जाती भाई। अभी मुझे फिर से मेकअप आर्टिस्ट ढूंढना मतलब स्टार्ट करना पड़ेगा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। बहुत जल्दी मैं रेडी हुई हूँ, अभी टाइम हो रहा है 7:30 और मैं अभी निकलूंगी, और मम्मी इधर रेडी हो गई, देख सकते हो मम्मी ब्लर हो गई पूरा, तो मम्मी रेडी हो गई अंदर, वो रेडी हो रहा है और हम तीनों अभी निकलेंगे, पापा चले गए ऑलरेडी बाकी सारे गेस्ट के साथ। यहाँ का सबसे ज्यादा खतरनाक लिफ्ट पे बहुत डर लग रहा है मेरे को उसमें। हाँ मुझे भी बहुत डर लग रहा है, कैसे मेरा क्या हालत है, अभी तक ना बेल्ट पहना हूँ। अरे भाई खुला तो है, तो लैक्मे ने इतना सुंदर मेकअप किया है कि यहाँ पे फिर से आके मेकअप करना पड़ रहा है। तो आप लोग ही देखिए यहाँ पे हालत, और इनका तो बेल्ट लगाना ही नहीं हो रहा है, और ये सो गई है, बहुत थकी है बहुत पहले से आके, और ये ऐसे 2 नेकपीस दिया है इनको मैंने काम उसको अलग कर रही है, जैसे कि पुराने ज़माने में सास देती थी ना चावल एंड दाल को मिक्स करके बोलती थी अलग करो, कंकड़ को मिक्स करके बोलती थी अलग करो, वैसे ही। अरे ये देखो मालिश चल रहा है, तेल मालिश, तेल मालिश। भैया आप हैप्पी हैं मेकअप से? वो तो सब होने के बाद ही पता चलेगा। सो फाइनली बहुत टाइम के बाद पहुंच गए हैं जगह पे, सिचुएशन पे बोलने जा रही थी मैं। सो ये अभी मेकअप करके आए हैं विदाउट ब्लेंडर, विदाउट ब्लेंडर, विदाउट ब्यूटी ब्लेंडर उनका मेकअप हुआ है आज।
पर ब्राइड ज्यादा लंबी नहीं लग रही है, छोटी लंबी भी लग रही है, बड़ी भी लग रही है, मुझे लग रहा है। हमारे काकू और मैं खाऊंगा वेज। क्या खा रहे हो? मेरे लिए लाया नहीं आपने, नॉन वेज खाना स्टार्ट कर दिया। नारायण नारायण, बताओ सावन में नॉन वेज खा रही हो। और इस लड़की का सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ एक ही काम है। जी 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 जी। How you feel right now? कहाँ से आई है? कहाँ से? ये चोरी करके लाई। ये पर्स की बात कर रहा हूँ, इतना कचरा। ये भी चोरी करके लाई। ये कम से कम मैं लाया हूँ। कितना बोल दे भाई? Hi guys, my name is Motu Bhattacharya। हाँ, तो मैं बोला जाता मेरा भूड़ी हो रखा है। नीचे का मेरा भूड़ी नहीं है, मैं बोला भूड़ी बोल पूरा स्लिम ट्री। मैं बोल रही थी कि नीचे का फ्लैट फ्लैट होता तो अच्छा होता ना, ज्यादा नीचे सिंपल हो गया। बाकी सजावट काफी ज्यादा सुंदर हुआ है, पर नीचे का थोड़ा सा सिंपल लगा। मेरे लिए वेज प्लेटर ला रहे थे और कुछ फिश तोड़ रहे हैं। रिसेंटली सर्जरी भी हुआ इनका हार्ट का, बट क्या चल रहा है काकू? सब ठीक है। देख के खा रहे हैं। काकू को बहुत बोलने के बाद फाइनली मेरे लिए वेज चीज़ें आ गई हैं। काकू अरे इसको भूख लग गई है, देखो इतना मेरा समय के बाद ये कचरा चला जाएगा। रो मत, रो मत भाई, मत रो मत। हाय, কোনটা বেশি ভালো লাগলো, মানে ফায়ার ক্র্যাকার ওইগুলো হচ্ছিল নাকি কোন জিনিসটা, ওই যে বাজির মতো যেটা ফাটছিল ওইগুলো ভালো লাগলো, নাকি রিং সেরেমনিতে দাদা ভয় পেয়ে উঠে বললো সেটা ভালো লাগলো? কি বেশি ভালো লাগলো? সোনা লাগতো যে দাদা বাজি বাজি আচ্ছা লাগা? মুঝে তো সব কিছু আচ্ছা লাগা। মুঝে তো বেশ লাগা ও দাদা ব্যাট কে ফির ব্যাট কে ওরিয়ে ফির দিদি নে কালে তো ক্লিপ এ পহনা দিয়া সব কিছু বসে পড়ে আবার উঠে পড়েছে। কোনটা বেশি ভালো লেগেছে? কোনটা বেশি ভালো লেগেছে? চোখ বন্ধ করে রেখেছিলে? বিয়ের দিন ওরকমই হবে, বিয়ের দিন এরকম হবে। एक सेकंड, तो कर्ल क्या है? कर्ल देखो स्ट्रेट हो रहा है ऑलमोस्ट,
क्या हालत है देखो, एक एक जगह पे पूरा स्ट्रेट हो गया है। टू फाउंडर मेकअप लिपस्टिक मैंने लगाया है क्योंकि उनके पास ऑनली 3 लिपस्टिक था, वो भी तीनों के तीनों ग्लॉसी फॉर्मेट पे। और ये एक प्रोफेशनल मतलब जगह का ये हेयर स्टाइल है, देख सकते हो पिन दिख रहा है। इधर मेरे हेयर स्टाइल पे कभी भी पिन नहीं दिखते भाई, मतलब बॉबी पिन दिख रहा है, इतना ज़्यादा अनप्रोफेशनल है मैं क्या बोलूँ। तो अभी सब खाना पीना चल रहा है, मुझे अभी तक नहीं पता क्या बना है। खाना शुरू हो गया था ना कि है ना, मैं इतना थक गई हूँ, मेरी शक्ल देख के समझ आ रहा है और कुछ 11 बजे जा रहा है, मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बचा है, पैर पूरा सूज गया मेरा। आंटी प्रकाश, आंटी जल खा दी बिस्लरी हाल खाओ, रहता हूँ मैं आपको बताऊँ। दीदा ताका है कि क्या, दीदा ताका देना। ये कौन सा फोन है? ये तो आईफोन है। ये कौन सा फोन है बताओ? वीवो ओप्पो है, वो तो कवर का नाम है, फोन का नाम होता है। बताओ फोन कौन सा है, कौन सा फोन का ब्रांड आता है, कंपनी कौन सा आता है? सैमसंग, रेडमी है। कौन सा फोन है जो दिखाऊं? आईफोन भी नहीं दिखाओ, मैं कौन सा फोन है गैस करो, जो गैस चलो गैस करो, अब गैस करो ठीक है। आई डोंट नो, इट्स अ गूगल फोन, यू नो गूगल, इट्स अ गूगल फोन। मम्मी घर चली जा रही है, सो अभी बहुत ज़्यादा थक गए। टाइम क्या हो रहा है? टाइम अभी बज रहा है 12 बजने वाला है गाइस, 12 बजने वाला है और मेरा भी 12 बज गया है। अभी बैटरी को दिखा नहीं सकता, सॉरी। तो बहुत थक गई हूँ, अभी खाना खाऊंगी, अभी भी शूट चल रहा है, उसके बाद कुछ खाना खा के घर जाऊंगी भाई। आज मैं पूरा खत्म, बड़ी बाजी मुंह बना सी पैर बहुत तुम ही की कोर चीज पैर उठा के बैठी है। इतना कौन खाता है भाई, मोटी हो जाएगी। मैं सोचा ही तो खाती क्या 12 घंटे पड़े तुम्हें खाना खा रहे, बहुत ज्यादा लेट हो गया। उसको देखो चम्मच से, क्योंकि उसने नाखून लगाया ना, चम्मच से चल रहा है। चटनी ये फिश फिंगर, ये है चिकन रेशमी कबाब, सलाद सलाद, ये पनीर चिली ड्राई। फाइनली वो फेक नाखून लगाने के बाद एक बात बोलो, मैं ही नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि मेरे इस उंगली में एंड इसमें इतना ये शिक्विन चुभा है ना, मैं जितनी बार ड्रेस को सही कर रही थी उतनी बार शिक्विन चुभा। जीरा राइस, चिकन कोला पूरी और क्या बिरयानी, चिकन चाप, बहुत सारा कुछ। और एक बेचारा फिश में भी नहीं पड़ा है, पता नहीं कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा। तो ये हाल के इतने खाने का खाती नहीं है क्योंकि 12:30 बज रहे, इतनी रात में ज्यादा नहीं खा सकती। थोड़ा सा स्टाइल देखो, अभी मिठाई खाऊंगी, ये तो खाना ही पड़ेगा। स्टाइल देखो मिठाई खाने का, खूब बाजे, बहुत अच्छा है, भालो। उसको देखो इतना खाली है, इतनी बार उसका प्लेट देखो, ये क्या हाल किया है प्लेट का, देखो कुछ बचा ही नहीं, हड्डी तक नहीं बचा है इधर, तो हड्डी कितना छोड़ा है। और ये हमारी मटकी, थैंक यू सुमेधा भट्टाचार्या फॉर योर ऑल एफर्ट्स। तो चल रहा अभी घर, और इसी के साथ देखो ये मीम मटेरियल्स के साथ मेरा व्लॉग यहीं पे खत्म हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टाटा बाय। नहीं हवा चला जाती।
This is for you. This is for you. This is for you. Gate nahi khol raha. Thank you.